प्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया के भेद पढ़े, उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद विस्तार से पढ़े। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब इसमें देखते हैं बच्चों, हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद है मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया अपने आप में संपूर्ण है, जैसे खाना पीना रोना चलना आदि, ये सब मूल क्रिया कहलाती है। अब यौगिक क्रिया देखिए, यौगिक क्रिया वो होती है जिनमें हमें अन्य शब्दों का सहारा लेना होता है या वो शब्द भी उसमें जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए, चलना से बना चलाना, चलना मूल क्रिया है लेकिन चलाना ये नई क्रिया बन गई। जैसे जा गिरा, वह भी एक क्रिया है और गिरना भी एक क्रिया है, दोनों को मिलने से नई क्रिया बन गई है जा गिरा। पढ़ता रहा, पढ़ना क्रिया है और रहा भी क्रिया है, तो ये दोनों शब्द मिल गए यहाँ। जहाँ दो क्रिया मिलने से या नए शब्दों को जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक, यौगिक का मतलब योग यानी जोड़, जिसमें नए शब्दों के जुड़ने से क्रिया बनती हो वो यौगिक क्रिया कहलाती है, और जो अपने आप में क्रिया हो, संपूर्ण क्रिया हो, वह मूल क्रिया कहलाती है। अब यौगिक क्रिया के चार भेद हैं, मूल क्रिया के भेद नहीं है। अब यौगिक क्रिया के चार भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया जुड़ रही हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे जा गिरा, काट लिया, बंद हो गया, खा लिया। अब यहाँ पर देखिए, खा लिया, खाना एक क्रिया है, लिया एक क्रिया है, इसलिए खा लिया दोनों मिलकर इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब होता है बच्चों, नाम किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। तो ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, लाज संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लाज से लजाना क्रिया बन गई। हाथ संज्ञा शब्द है, उससे हतियाना एक क्रिया बन गई। इसी तरह आप सर्वनाम शब्द है, उससे अपनाना एक क्रिया बन गई। और इसी तरह जैसे मोटा, मोटा शब्द विशेषण है, मोटा से मुटियाना ये क्रिया। तो इनमें क्या होता है, जो क्रिया शब्द संख्या सर्वनाम विशेषण से बनते हो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब किसी की प्रेरणा से जो कार्य किया जाता हो। यहाँ पर जैसे कि पढ़वाना, चलवाना, धुलवाना, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए, वह क्या होता है, जैसे अध्यापक जी ने हमसे पाठ पढ़वाया, विद्यार्थियों को मैदान में चलवाया और धोबी से कपड़े धुलवाए गए, तो यहाँ काम करवाने वाला, जो करने वाला है वो किसी की प्रेरणा से काम कर रहा है और उससे काम करवाया जा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है कि इसमें वाना जुड़ जाता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ जाता है, वाना से वाये, वाई ये बन जाते हैं। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, काल यानी समय होता है, पूर्व यानी पहले, तो कुछ समय पहले एक काम किया गया हो और उसके बाद दूसरा काम किया गया हो, तो इस क्रिया में क्या होता है कि कर प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे चक्कर, पढ़कर, जाकर। मैं घर जाकर पिक्चर देखने जाऊंगा, पढ़कर मैं पाठ पढ़कर टीवी देखूंगा, चक्कर मैं आम चक्कर टॉफी भी खाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर एक काम पहले हो और उसके बाद दूसरा कार्य किया जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसके भी देखिए, चारों क्रिया की मैं आपको पहचान बता रही हूँ। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, और प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय आता है, पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द जुड़ता है। तो इस तरह से आप इन क्रिया को पहचान सकते हैं। अब बच्चों आपने पढ़ ली, एक बार वापस से मैं क्रिया का दोहरान करवाती हूँ। क्रिया कैसे कहते हैं, किसी भी काम का करना या होना
जिन शब्दों से इसका बोध हो कोई भी काम करने का या होने का वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद जो रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया होती है उसके भी दो भेद हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के फिर चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप क्रिया जो पाठ है उसमें पीछे दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे, इसके उदाहरण के वाक्य भी पढ़ेंगे, समझ में आया, और उनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे। अब मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखिए, सीता रोती है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? बताइए, सीता रोती है में क्रिया क्या है? रोती है। अब ये क्रिया कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक है कि अकर्मक है? तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। अगला है, मोहन गेंद से खेलता है, इसमें क्रिया क्या है? मैंने आपको बताया था कि वाक्य के शुरू में कर्ता होता है और वाक्य के अंत में क्रिया होती है, तो मोहन करता है और तो बताइए यहाँ क्रिया क्या है? खेलता है। उसकी बात सुन लो, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। बात सुन लो, तो यहाँ सुन और लो दो आई, तो बताइए कौन सी क्रिया होगी? जहाँ दो क्रिया होती है वहां कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया। आगे है, शिखा ने आशा से पत्र लिखवाया, अब बताइए जो इसमें जो लिखवाया है उसमें कौन सी क्रिया है? बताइए, पहचानिए, वाया किसमें आता है? प्रेरणार्थक क्रिया में। काम करते जाओ वाक्य में क्रियापद क्या है? तो काम कर्म हो गया और करते जाओ क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें हो गया करते जाओ क्रियापद हो गया। अगला है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? बताइए नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संख्या सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे गर्म से गर्माना, लाज से लजाना, थरथर से थरथराना। ठीक है, अब बच्चों इस तरह से आपको अपनी पुस्तक के प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और उन्हें याद भी करना है।